हेलो गाइस, तो गाइस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस हम हैं खाटू श्याम मंदिर और हमारी चल रही है कोल्ड कॉफ़ी और पूरी फैमिली बैठी है। देखो गाइस इधर निशी कोल्ड कॉफी, मैंने और निशी ने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है। निशी ले, उधर सब लगे पड़े हैं। देखो गाइस, हाँ क्या गुन्नू दिया, गुन्नू है, गुन्नू है, गुन्नू दिया, गुन्नू है, गुन्नू देगा, गुन्नू जा, गुन्नू देगा। अभी से पकड़ लो, अभी चाय की देगी। नोना लो जूस। तो चलो गाइस हम अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अभी दर्शन कर आए थे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। जा हुआ जी। ओए बैठ जा, पोटी कर दी। देखो भाई पोटी कर दी। पहुंच चुके हैं गेट पे, गेट पर जा रहे रील बनाने। तुरंत द्वार, तुरंत द्वार बोल रहे। और गाइस वो आ रहे पीछे सारे, और देख रहे हो कितनी भीड़ हो रही है गाइस, बहुत क्राउड है यार, बहुत ज़्यादा। गाइस देख लो कितनी भीड़ हो रही है, पूरा क्राउड। ये है भैया गेट श्री श्याम प्रणाम। गाइस अब हम रुके हैं भैया पेट्रोल भरवाने, और नोना तो सोई पड़ी है और इधर दूसरी जगह है, वो भी जग रही है, तो पेट्रोल डलवा रहे हैं। अपनी इधर पीछे है, वो भी आ रहे हैं। तो गाइस चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर मिलते हैं। टंकी फुल करवाई जा रही है, देखते कितने का आता, पहले तो पड़ा है इसमें। देखिए भाई इसमें कोमल कोमल सूख आई है इसमें। हाँ भाई कैसी आई नींद? बढ़िया। तो गाइस अभी हम यहाँ रुके हैं अग्रवाल, तो यहाँ पर कुछ खाएंगे भैया, और मम्मी अभी बैठी है गाड़ी में ही, और ताई भैया वहाँ से अपना कूलर की हवा ले रही है। देखो हाँ, गाइस फाइनली हम आ चुके हैं जयपुर, और जयपुर की मार्केट देख लो भाई, यू मतलब कि कई किलोमीटर की मार्केट है। हम अंदर मतलब कि हमें 5 मिनट हो गए हैं अंदर बड़े, और जब से मार्केट चल रही है सारी मार्केट इधर भी देख लो, एक सी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। किले के अंदर ही है, मतलब कि पहले राजा महाराजा कहा बाहर जावे, अपने अंदर ही बना ले हुए सब कुछ। सब राजा महाराजा फोटो कॉपी का क्या करें, ये तो अब खुली है ना फोटो कॉपी। तो गाइस बहुत बड़ी मार्केट है यार। नहीं बहन जी मैं ये बोल रही हूँ, अब तो लोगों ने अपनी मतलब कि काय काय की दुकान खोल ली, राजा महाराजा क्या करे उसका तंबाकू का तंबाकू। और सामने जा रही है भैया बलेनो, उसमें है पुनीथर। देख यार क्या आलीशान बना रखे आज भी, ऐसे के ऐसे ही है मंदिर टाइम। देखो कितनी है, बारिश आ जाती होगी तो और धूल जाते होंगे कलर जो ना, आज भी ऐसे के ऐसे ही खड़े किले, और पता ना कितने हजार साल अब भी ऐसी मिलेंगे ये बात के लिए खड़े हुए। मेंटेनेंस तो करते रहते होंगे ये लोग। हाँ हल्की फुल्की मेंटेनेंस तो करते रहेंगे। देखो गाइस हम आ गए हैं जलमहल, और जहाँ बहुत तगड़ी होंगी चल रही है गाइस, वो देखो जलमहल पानी के बीचों बीच, चारों तरफ पानी, देख रहे हो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, चारों तरफ पहाड़, पहाड़ और साइड में पानी, बीच में जल महल। अरे उड़ के चला जाएगा अब साथ में ही। रोटी चल रही है गाइस, ये मंदिर देख रहे हैं सब, मजे तो जब यार, मजे तो जब वहां जान देते। देखियो कितना प्यारा लग रहा पूरी देख। हसन लग रहा है, ये बालक सही है, मेरे पे हंसवाते रहे पब्लिक को।
देख लो गाइस ऑन दी चल रहे हैं यार। पीछे से लहंगा फटा हुआ है वो सिर्फ आगे से दिखाने के लिए ना इंसाफ से आगे वो टू जेट पीछे तो छोड़े ना इसको भी फोटो एक बेटा एक फोटो निकालेंगे हमारा टू टू कैच हाय देखो अच्छा मेरे को लिसी दीदी हां लिसी दीदी आप भी पहनो ना अरे पागल दोस्तों से बनवा लेना जमीन से मजा बांध देना एक मिनट लगे थापा बांधने में भी हो रहा है सीधे हो ना आप सब देख सकते हो मम्मी जी और ताई जी भैया पूरी राजस्थानी स्टाइल में फोटो खींच रहे हैं और हमारा ताऊ खुश हो जाएगा फोटो देख के। मम्मी गाइस आज हमारे ताऊ खुश हो जाएंगे हमारे ताई देख कर राजस्थानी स्टाइल में जल महल ताऊ भी लाने चाहिए ताऊ के खेल फोटो खींच तो गाइस इधर देखो ताई और मम्मी का सूट चल रहा भैया कौन से काम से जगतपुर की जगह
तू पहरेगी? तू तो लड़का है मगर। अच्छा कोमल कह रही है मैं पहरूंगी, मगर तू तो लड़का है, लड़का वाले तो पहरूंगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? तो गाइस फाइनली हम लोग खाटू श्याम से डायरेक्ट घर आ गए। व्लॉगिंग बीच में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत प्रॉब्लम से हम घर आए, क्योंकि रास्ते में मेरे व्लॉग में देखना हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई। मम्मी को इतनी नींद आ गई थी रास्ते में क्योंकि 600 किलोमीटर कंटिन्यू गाड़ी चलाई, ऊपर से रास्ते में एक ही जगह हमें बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। एक बार गाड़ी पर स्क्रैच लग गया, एक बार गाड़ी के शीशे पर कोई पत्थर लग गया क्योंकि आंधी आ रही थी, पता नहीं क्या लगा क्या नहीं लगा और स्क्रैच आ गया। एक जगह तो बीच में लोगों ने ना, मतलब ट्रक वालों ने किसी थार वाले को मारने के लिए मतलब पूरी रोड जाम कर रखी थी। और अभी नोना और मैं हैं, मम्मी सो गए हैं गाइस, हम घर आ गए, इतना थक गए थे, 2 बजे घर आए थे, अभी तो 4 बजने वाले हैं। इधर आओ जल्दी, मम्मा को किच्ची करो, पापा को करके आओ, पापा को किच्ची करके आओ, जाओ पापा को किच्ची कर दो। पापा को करो जल्दी पापा को किच्ची करो। तो नूना ने ना मेरी पट्टी खींच दी, इतनी तेज दर्द हुआ, तो मैंने ये चादर का कपड़ा फाड़ के इन्हें उठा के इनसे चादर बनवाई है क्योंकि सुसु कर दिया हमें, मतलब बोल नहीं सकते सुसु कर रहा हूँ, मम्मा करके बताना होता है सुसु कर दिया क्या होता है। पापा सो रहे हैं, हम पिट्टी लगा देंगे पापा आपकी, किच कुछ मत करो। देख रहे हो अब इसको इतना इरिटेट होता है इसको, सुसु वगैरह कर देगी कि इसके कपड़े उतार दो। क्या इतने सफा थे तो कपड़ों में करते वक्त क्यों उतारू? क्या है मेरे को मार रही है, क्या है देख, क्या है? थप्पड़ मारोगे मम्मा को? उई तुम्हें बड़ी तेज लग रहा है अभी देखना गाइस, एक बार डांटूंगी ना कैसे बैठेगी, रुको। सॉरी मजाक कर रही थी। बज मजाक था। सुन पापा उठ जाएंगे, ड्रामे करके मत दिखा मजाक कर रही थी, ड्रामेबाज गाइस, इतनी ड्रामेबाज है आप लोग देख सकते हो इसको ड्रामा दिख गया तेरा ड्रामा आज सबको हाँ बेटा नहीं चलो खेलते। हेलो गाइस, तो गाइस गुड मॉर्निंग, तो गाइस हम सो के उठ चुके हैं, मतलब कि मैं सो के उठा हूँ, सब सो ही उठे हैं, निशी भी सो रही है, नोना भी सो रही है, देख लो गाइस। और गाइस हालत इतनी ख़राब हो गई भाई, रात को गाड़ी ठुकती ठुकती बच गई कई जगह, क्योंकि मतलब कि नींद इतनी आ रही, सोए हैं ही नहीं हम बिल्कुल भी। 300 किलोमीटर पहले गए, 300 किलोमीटर आए, तो मतलब कि एक घंटा की भी नींद पूरी ना हुई। और बीच में एक हादसा होगा, उसी के ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। तो जय बाबा की।